इस वीडियोस में मैंने आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और आईवी इंजेक्शन के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रामस्कुलर यानी आईएम इंजेक्शन के बारे में बताऊंगी। प्लीज फॉलो नॉलेज एंड स्किल्स विद मरियम ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब फॉर मोर वीडियो। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को आईएम इंजेक्शन भी कहते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ल्यूटियल रीजन या डेल्टॉइड मसल में लगाया जाता है। एंड ऑफ शोल्डर और स्टार्ट ऑफ आर्म पे आपको एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगी, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। उस पॉइंट से टू फिंगर्स डाउनवर्ड्स एग्जैक्ट डेल्टॉइड मसल होता है। उस मसल में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। एसेप्टिक मेयर से इंजेक्शन फिल करने के बाद हमने जिस पॉइंट पर इंजेक्शन लगाना है उस पॉइंट को अल्कोहल स्वैब से साफ करेंगे और मसल होल्ड करके 90° एंगल पे इंजेक्शन लगाएंगे। सिरिंज इंसर्ट करने के बाद हम मसल को छोड़ देंगे और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने सिरिंज के प्लंजर पुल करेंगे और चेक करेंगे कि ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है तो सिरिंज निकाल लेंगे और अल्कोहल स्वैब से साफ करने के बाद मेडिसिन वेस्ट कर देंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए न्यू सिरिंज और मेडिसिन यूज़ करेंगे। अगर पुल करने से ब्लड नहीं आया तो हम मेडिसिन इंजेक्ट कर देंगे और सिरिंज निकाल कर अल्कोहल स्वैब से उस पॉइंट को साफ कर देंगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए मोस्टली 3 to 5 ml सिरिंज यूज़ होती है, जिसकी लेंथ 1 to 1.5 inch और साइज़ 22 to 25 gauge होना चाहिए।